दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। ज्वाली उपमंडल के शिव बोथान भरमाड़ में सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महंत सतीश वत्स के आश्रम में योग दिवस के कैंप का आयोजन किया गया। योगा शिक्षक रंजना व रूपलाल ने सभी को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। उधर नगरोटा बगवा की आयुष ग्रुप ऑफ कंपनीज के सौजन्य से ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन हुआ। डॉक्टर सीमा संतोषी और योग प्रशिक्षक रेणु सालदी ने लोगों को योग का महत्व बताया। नमस्कार, दिस इज डॉक्टर सीमा संतोषी फ्रॉम केतव आयुष हेल्थ पैराडाइज एंड आयुष ग्रुप ऑफ कंपनीज। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हम सारी आयुष टीम सबको बधाई देते हैं। और योग अभी अभी हमने योगा सेशन भी किया। एक योग के बारे में कहना चाहूंगी कि जहां प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात आती है, प्रिवेंटिव थेरेपीज की बात आती है, तो योगा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसमें। हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम योगा अभ्यास करते हैं, योगा की जानकारी रखते हैं और हेल्दी फूड खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू। उधर बिलासपुर में डाक विभाग में एक अनोखी पहल सफल हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई इस पहल में देश भर के मुख्य डाकघरों को इसमें शामिल किया गया। इस दिन डाकघरों में हर रोज नियमित रूप से प्रयोग होने वाली कैंसिलेशन मोहर का प्रयोग नहीं, बल्कि योग दिवस के मौके पर डाकघरों में स्पेशल कैंसिलेशन मोहर लगाई गई। जी मैम, आप अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर स्पेशल स्टैंप का यूज किया गया हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, जैसा आप सभी को पता ही है कि 18 से 21 तक हम अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह मनाते हैं और आज जो है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये भारत द्वारा ही शुरू किया गया है एक तरह से, और ऐसा इसलिए क्योंकि 21 जून जो है वो सबसे लंबा दिवस होता है, तो इसीलिए प्रस्ताव रखा गया कि इसे योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। तो डाकघर में भी हम लोगों ने इसे महत्व देने के लिए या लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक स्टैम्प तैयार की है, जो हम सभी डाक जो हमारे पास आएगी वितरित होने के लिए या बुक होने के लिए, उस सभी पे हम जो है एक स्टैम्प लगा रहे हैं, जो हिंदी और इंग्लिश अंग्रेज़ी दोनों में छापी गई है, जिस पे मुख्य रूप से योगा दिवस लिखा गया है और आज की तारीख भी रहेगी। सभी तरह की डाक वस्तुओं को इसी मोहर द्वारा कैंसिल किया जाएगा। इससे हम लोगों में ये मतलब योग के प्रति उनकी जागरूकता रहे। जैसे जानते हैं आजकल कोविड चल रहा है, तो इसलिए लोगों में योग के द्वारा उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करना, इसलिए हम उनको संदेश देना चाह रहे हैं और चाहते हैं। जैसे कि योग दिवस के लिए हमने सभी डाकघरों में, चाहे उप डाकघर हैं उन्हीं के लिए योगा सेशन भी किए हैं। हमने अपने डाकघर बिलासपुर में भी योगा सेशन करवाया, ऑनलाइन भी और एक लाइव सेशन भी लिया है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि सभी प्रदेश एवं पूरे देश में लोग योग अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से संजीव राणा, नगरोटा बगवा से राजीव सूद और बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।